अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उस्मान अरशद। क्या हाल है आप सबके? आज मैं जिस शेविंग क्रीम के लेकर रिव्यू लेके आया हूँ उसका नाम है एडमिरल शेविंग क्रीम। ये 25% फ्री है और ये क्लेम करते हैं कि इसके अंदर विटामिन ई है और एलोवेरा है। अगर इसकी फ्रेगनेंस की बात की जाए तो अगर मतलब जैसे कोई ब्यूटी सोप होता है ना, जैसे लक्स हो गया या इस तरह का ब्यूटी सोप हो गया, उस तरह की इसकी फ्रेगनेंस है। तो आज मैं शेविंग के लिए जो जो ब्लेड यूज़ कर रहा हूँ वो है ट्रीट प्लैटिनम, ठीक है। इसकी जो प्राइस है वो है 45 रुपीज़ फॉर 10 ब्लेड्स, तो आपको 4.5 का एक ब्लेड मिल जाएगा। और आफ्टर शेव के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ डैनम का आफ्टर शेव, क्योंकि आज एक शादी है जो मैंने अटेंड करनी है, तो फेस फ्रेगनेंस आती है उसके लिए, इसकी काफ़ी अच्छी फ्रेगनेंस है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं अपने जो है वो रेज़र के अंदर ब्लेड लोड करूँगा। तो मैंने अपने जो है वो रेज़र के अंदर ट्रीट प्लैटिनम का ब्लेड लोड कर लिया है। आए अब अपने फेस को रिंस करते हैं और शेविंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। क्रीम और शेविंग क्रीम हम कितनी का लगाएंगे? आई थिंक इतनी काफ़ी है। 1 ग्राम ऑफ शेविंग क्रीम आई थिंक इज़ मोर देन एनफ। इसके ढक्कन को क्लोज कर देंगे, उसके बाद हम लोग लेदरिंग स्टार्ट कर देंगे अपने फेस के ऊपर। देखते हैं क्या होता है। फ्रेगनेंस काफ़ी अच्छी आई है इसकी, काफ़ी डोमिनेटिंग फ्रेगनेंस है, लेकिन इतनी स्ट्रांग भी नहीं है। अगर लेदरिंग की बात की जाए तो उसने काफी डिसेंट अमाउंट ऑफ लेदर जो है वो प्रोड्यूस किया है। फ्रेगनेंस काफी माइल्ड सी है लेकिन अच्छी है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस नहीं है इसकी। आई शेविंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है, इसकी इसकी स्लिकनेस कैसी है। एक इटालियन कंपनी है प्रासो, इंडिया का तो मुझे पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है। प्रासो कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो ये क्लेम करती है कि उनकी प्रोडक्ट्स के अंदर विटामिन ई है। उसके अलावा मैंने पाकिस्तानी किसी कंपनी को ये नहीं देखा कि उसने ये क्लेम किया हो कि इसके अंदर विटामिन ई है, जो कि आपकी स्किन के लिए बड़ा अच्छा होता है। ठीक हो गया। और ये एडमिरल शेविंग क्रीम वाहिद वो शेविंग क्रीम है जिसने इस चीज़ का क्लेम किया है कि इन्होंने अपने प्रोडक्ट के अंदर विटामिन ई डाला है। अगर इसकी स्लिकनेस चेक की जाए तो अच्छी है, नॉट बैड एट ऑल। फर्दर शेव करते हैं।
एडमिरल शेविंग क्रीम सिर्फ ये जो है दावा नहीं करती कि इसके अंदर विटामिन ई है, बल्कि ये लोग ये भी दावा करते हैं कि इसके अंदर एलोवेरा भी है और ग्लिसरीन भी है, ये दोनों काफ़ी अच्छे जो है वो लुब्रिकेटिंग सब्सटेंसेस हैं। नहीं जी, हमारा फर्स्ट टास्क है वो कंप्लीट हो गया, जो हमने टुवार्ड्स द ग्रेन किया है, जिस डायरेक्शन में हमारी शेव थी उसी डायरेक्शन में मैंने किया। मैं सेकंड पास करने जा रहा हूँ, इसके अंदर मैं क्या करूँगा कि मैं क्रॉस द ग्रेन शेव करूँगा, काफ़ी अच्छी स्लिकनेस है ये, तो जब मैं शेव करने के बाद जब मुँह धोऊंगा उसको ज़्यादा अच्छा अंदाज़ा होगा कि ये मतलब किस हद तक मेरा फेस जो है वो स्लिक है। आए सेकेंड पास के लिए जो है वो लेदरिंग करते हैं। सो लाइक सेकेंड टाइम हम लोगों ने लेदर कर लिया, अब हम लोग सेकेंड पैच स्टार्ट करते हैं। तो रेडी है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, सेकंड पास भी कंप्लीट हो गया है, अब हम जाएंगे अगेंस्ट द ग्रेन पास की तरफ। थर्ड पास के लिए मैंने फेस को लेदर कर लिया है, बहुत ही डिसेंट अमाउंट ऑफ जो है वो फ्रेगनेंस है और काफ़ी अच्छी स्लिकनेस है। चलें जनाब जी अगेंस्ट द ग्रेन शेव करते हैं। इसको हम रिंस ऑफ कर लेंगे।
ये जनाब जी उन्हें अगेंस्ट करें हैं। चलो जी शेव हो चुकी है कंप्लीट। इन जड़ों में फाइनल पैस भी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं अपना फेस रिंस करूंगा और उसके बाद मैं आफ्टर शेव लगाऊंगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन ये है डेनम का आफ्टर शेव। सो हम लोग डन है। जो स्लिकनेस थी इट वॉज क्वाइट गुड, को बहुत आउटस्टैंडिंग भी नहीं थी, बहुत मतलब कम जो है वो स्लिकनेस भी नहीं थी, एवरेज स्लिकनेस थी, काफ़ी अच्छी थी। सो ये थी आज की वीडियो, एडमिरल शेविंग क्रीम एंड ट्रीट प्लैटिनम ब्लेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।